नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता और संपूर्ण धनुराशि वाले अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। धनुराशि वाले, आ गया हूं अप्रैल माह का संपूर्ण राशिफल आपके लिए लेकर के। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के तारे, किस और आपको लेकर के जाएंगे, किन चीजों से रहना है आपको सावधान। चलिए राशिफल बढ़ने से पहले पढ़ता हूं गोचर की ओर, क्योंकि गोचर ही तो आपका जीवन का, महीने का, अप्रैल का फैसला करता है कि आपके जीवन में भगवान ने कितने अच्छाई और कितनी परेशानियां देकर के अप्रैल माह में भेजा। गोचर जगत की अगर मैं बात करता हूं तो 14 अप्रैल से सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे। वर्तमान समय में वह मीन राशि में चल रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में बुध आदित्य की उत्पत्ति रहेगी, यानी सूर्य और बुध साथ में रहेंगे, और 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के मध्य में जो है बुध नीच के रहेंगे। ऐसे जन्म पत्रिका में गोचर में मंगल, बृहस्पति और शनि साथ में चल रहे हैं, और बृहस्पति नीच का है। इसका मतलब यह नहीं है कि नीच भंग राजयोग बना रहा है, लेकिन मंगल और शनि के साथ अंकारक योग की उत्पत्ति निश्चित तौर पर हो रही है। तो चलिए बढ़ता हूं धनुराशि वाले क्या कहते हैं इस महीने आपकी किस्मत के तारे। इस महीने आप जो है लग्न में ही उच्च का केतु विराजमान है, यानी आपकी भावुकता और आपको दयालुता स्वभाव रहने के कारण बहुत लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, बहुत लोग आपको ठग लिए। पर तो इस महीने आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। आप कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए जो है 7 अप्रैल तक कुछ ऐसे बड़े निर्णय लेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ में जो है आप छन्न भर में इस महीने किसी पर विश्वास करने वाले नहीं है, और आपको लग रहा है किसी को मुझे किसी चीजों का जवाब देना है तो आप निश्चित तौर पर जवाब भी दे देंगे। लेकिन समस्याएं सिर्फ ये हो रही है कि नीच का बृहस्पति जो है वाणी स्थान में बैठा हुआ है, जो कहीं ना तो कहीं हो सकता है धर्म के विमुख जा करके आपसे कोई काम करा दे। अतः कोई बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं या किसी से किसी प्रकार का आपको वाद विवाद है तो अभी आपको थोड़ी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ में यह भी मैं बताना चाहता हूं 7 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य तक बुध आदित्य की उत्पत्ति रहेगी, यानी सूर्य और बुध जो है साथ में विराजमान रहेंगे। इस समय आप अपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई बड़े फैसले लेने के लिए काबिल रहेंगे। इसके अलावा बुध आदित्य युग में आपको एक सबसे बड़े बेनिफिट यह मिलेगी कि हो सकता है कुछ लोगों से जो है आप कुछ रिश्ता बनाना चाह रहे थे, कुछ लोगों से पार्टनरशिपिंग करना चाह रहे थे, उसमें कुछ बाधाएं हो रही थी, तो उस बाधाओं का जो है निपटारा निश्चित तौर पे हो जाएगा। कर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो फिर से वो पुनः कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध जो है वह हो रहा है, यानी 7 अप्रैल तक जो है आपके व्यापार में बढ़ोतरी रहेगी। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में भी आपके व्यापार में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के मध्य में जो है व्यापार में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय जो बिजनेस के क्षेत्र में जो होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों को थोड़ी सी समस्या निश्चित तौर पे होगी। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में जो सरकारी नौकरी में है आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है, आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में आपको पदोन्नति निश्चित है, जो भी प्राइवेट क्षेत्र में है आपकी पदोन्नति निश्चित है। कोयला प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है मंगल उच्च का, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान देने वाला नहीं है। अचानक जो है व्यापार बढ़ेंगे, अचानक जो है जीवन में आप सफल होंगे। स्वयं आय का मालिक जो है अपनी राशि में मैं देख रहा हूं कि शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कुछ लोगों से आप इनकम के चलते वाद विवाद चल रहे थे, कुछ लोगों के चलते इनकम के कारण, पैसे के कारण कुछ लोगों से जो मतभेद चल रहे थे, इस महीने आपको समस्याएं दूर होंगे, यानी कुछ पैसे उन लोगों से भी प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगे। जो सेल्स के काम में है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो सेल्स काम में है। 14 अप्रैल तक तो आपका सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में स्थितियां ठीक रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में आपको थोड़ी सी सेल्स वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैकेनिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी प्रकार का भी हो, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला, परंतु जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड व्यक्ति हैं 14 अप्रैल के मध्य में, 14 अप्रैल के बाद से जो है उनका समय काफी अच्छा प्रारंभ हो जाएगा। उन लोगों की बात अवश्य करना चाहता हूं जो चाह रहे हैं कि विदेश यात्रा करूं, जिनका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, यानी धन की बात मैं कर रहा हूं। धन का मालिक स्वयं अपनी राशि का है, धन में कोई कमी नहीं होने वाला है इस महीने आपका। और मंगल और बृहस्पति और शनि का डायरेक्ट जो है धन स्थान में विराजमान होना, इस महीने कुछ बड़े काम बनेंगे, कुछ नए अवसर आपके जीवन में खुलेंगे, यानी कुछ मित्रों के साथ या पार्टनरशिपिंग के साथ या अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़े फैसले लेंगे, और उस फैसलों में आप निश्चित तौर पर 100% सफल होंगे। जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, 14 अप्रैल के बाद जैसे जो है आपका विदेश यात्रा का योग काफी अच्छा बनने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन क्योंकि बुध नीच के होने वाले हैं 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में, तो विदेश जाने का कार्यक्रम जो है आप सोच समझ के करें। जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है या लॉटरी सट्टा से रिलेटेड काम है या मादक पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोग के लिए महीना काफी लाभकारी और काफी शुभकारी होने वाला है।
धनुराशि वाले। बात उन लोगों करता हूं जो प्रेम संबंध में कंटिन्यू चल रहे हैं। प्रेम संबंध आपका कुछ नहीं होने वाला, प्रेम से विवाह का योग इस महीने आपके बन जाएंगे। मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग जिन लोगों से आपको बहुत दिनों से आप दूर हटना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, इस महीने आप परफेक्ट जवाब देंगे और उन लोगों से यानी गलत प्रकार के मित्रों से आप निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगे। जो विवाह के लिए प्रयासरत थे, थोड़ी सी समस्याएं 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में रहेंगी। यानी धनुराशि वाले 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है और विवाह में भी निश्चित तौर पर आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी। अतः इस समय अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, कुछ बड़े फैसले लेने से पहले सोचने पड़ेंगे। इस महीने आपके संतान नाम कमाएंगे, संतान से रिलेटेड जो पहले से महिलाएं कंसीव की हुई हैं आपके स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर थोड़ा सा सुधार आएगा। और इस महीने सबसे बड़ी बेनिफिट यह भी आपके लिए होने वाले हैं कि संतान के कारण जो कुछ विवाद चल रहे थे वह कुछ ऐसे कर्म करेंगे कि संतान जो है आपको नाम रोशन कर देंगे। बात उन लोगों के लिए भी अवश्य करनी चाहिए जो चाह रहे हैं कि संपत्ति की प्राप्ति करो, जिनको संपत्ति की प्राप्ति करनी है। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल के पहले पहले तक तो संपत्ति से रिलेटेड बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगे। 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में जो है संपत्ति में बाधा होगा और 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में आप प्रॉपर्टी देखेंगे लेकिन आप परचेज करना चाहेंगे 27 अप्रैल के बाद, क्योंकि उससे पहले संपत्ति से रिलेटेड आपको बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यानी 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में आप देख लेंगे, निर्णय कर लेंगे लेकिन उसके बाद आपकी संपत्ति के योग निश्चित तौर पे बन जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं माता से संबंध के बारे में तो शनि का तृतीय दृष्टि पूर्त हाउस में पड़ रहा है, वहां पे बुध नीच के हो रहे हैं, जो ये स्पष्ट दिखाता है कि माता को जो है पेट से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं रहेंगी, थोड़ी माता से वाद विवाद की समस्या रहेंगे। 7 अप्रैल के बाद पिता से अपने व्यवहार को आप बढ़िया रखें, नहीं तो पिता के द्वारा किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। 7 अप्रैल के बाद आपके पिता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव 14 अप्रैल के मध्य से पड़ना चालू हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूं उन लोगों के लिए जो व्यक्ति केस मुकदमा से रिलेटेड बहुत दिनों से प्रयासरत है। इस महीने केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके चल रही हैं उसमें विजयी होंगे, आपके फेवर में ही फैसला आएगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो स्वास्थ्य के स्थान पर राहु बैठा हुआ, हालांकि 7 से 27 अप्रैल के मध्य में जो है मैं देख रहा हूं कि बुध नीच के होंगे और बुध नीच का होना आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं देंगे, चेट से रिलेटेड समस्याएं देंगे, गले की बीमारियों से थोड़ी सी आपको निश्चित तौर पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध यही है कि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो है कंटिन्यू दुर्गा चालीसा का इस महीने आप पाठ करें और इस महीने जो है आप धन को थोड़ा सा बचा करके काम चलाएं। हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विशेष लाभ तो नहीं होने वाला है लेकिन धन की कमी नहीं होगी। और एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि स्वयं बृहस्पति नीच के चल रहे हैं, बृहस्पति संपत्ति का मालिक है और बृहस्पति मन का मालिक है, संपत्ति और मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूरे महीने जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार के दिन जो है गरीबों को बुंदिया खिला दें। धनुराशि वाले अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया। आप लोगों से अनुरोध है अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं नंबर फ्लैश हो रहा, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार।